हेलो एवरीवन। तो अभी हम वापस से अपना बेसिक्स पे कूदते हैं और इनको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। अब हमारा जो है कंट्रोल्स के कुछ लास्ट टिप्स बचे हैं। ओके, तो ये कंट्रोल्स में हमारे पास क्या-क्या बचा हुआ है? हमारा स्टॉप ऑल और ये तीन चार और टॉपिक्स हैं, छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट से कवर करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा ये स्टॉप ऑल एक्चुअली क्या है। तो स्टॉप ऑल से हमें क्या समझ आता है कि सब कुछ रोकना, यानी जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं इन सभी को रोक देना। तो अभी मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉरएवर लूप उठाया। तो चलो चेक करते हैं। तो वेरिएबल्स में गए, चेंज माय वेरिएबल बाय, इसको लिख दिया 10। ओके, और यहाँ पे हमारा इवेंट्स में, सॉरी कंट्रोल्स में, वेट वन सेकेंड, ये एक एक सेकेंड्स के बाद इसे चेंज करता रहेगा। और फ्लैग उठाया और इसके ऊपर लगाया, ठीक है। और एक और कंट्रोल से उठा के कि वेट अंटिल, चलो वेट अंटिल, ओके वेट अंटिल सही रहेगा। वेट अंटिल हमने पढ़ा है, तो वेट अंटिल चेक किया कि कब तक चेक करना है, कब तक वेट करना है, सॉरी वेट जब तक करना है जब तक हमारा माय वेरिएबल 50 से बड़ा नहीं हो जाता। यानी जैसे ही माई वेरिएबल की वैल्यू 60 होगी तो क्या होगा, सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं अब फ्लैग पर क्लिक करूँगा तो दोनों प्रोसेस एक साथ चालू होंगे। तो ये क्या बोलेगा, ये तब तक वेट करेगा जब तक माई वेरिएबल की वैल्यू 50 से बड़ी नहीं हो जाती। ओके, तो फॉरएवर लूप को पहले चेक करना। ओके, पहले मैं खाली फॉरएवर लूप चला रहा। तो फॉरएवर लूप अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये 30 होगा, ये 40 होगा, इसको बढ़ाता रहेगा 60, 70, 80, 90। तो अभी रुको, हमने इसे पॉज कर दिया। अब मैं वापस से माय वेरिएबल को 0 कर, अब मैं इस फ्लैग को क्लिक करूंगा और ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। ओके, तब ध्यान देना, अब फॉरएवर लूप भी चलना बंद हो जाएगा। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। फ्लैग पर क्लिक किया, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, जैसे ही 60 हुआ, ठीक है, ये पूरा ये लूप स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि 60 होते ही ये इस कंडीशन पे गया और ये क्या बोल रही है कि स्टॉप ऑल, सारे प्रोसेस को रोक दो। तो हमारा कोड यहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो ये था स्टॉप ऑल। ओके, तो वहीं पे अब हमारा स्टॉप ऑल ये हुआ छोटा सा टॉपिक। अब हमारा बचा व्हेन, सॉरी, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। अब ये चेक करते हैं, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, तो वेरिएबल को वापस से 0 सेट किया। चलो फिर से चेक करते हैं। ओके, तो ये गया, 30 हुआ, 40 हुआ, फिर से जैसे 40 हुआ, अब देखने से हटाता हूँ, इसका क्लोन बन चुका है। कैसे बना क्लोन, क्या हुआ, जैसे ही इसने बोला माई वेरिएबल जैसे ही 50 से बड़ा होता है, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी इसका एक क्लोन तैयार हो गया हमारे पास स्प्राइट का हमारे। तो क्लोन का मतलब क्या, इसका एक और बहरूपिया जिसे कह सकते हैं हम, या फिर इसके जैसा एक सेम इसी की तरह एक और कैरेक्टर डिटो वापस से क्रिएट हुआ। ओके, तो ये था हमारा क्रिएट क्लोन। क्लोन का मतलब होता है हमारा ही एक दूसरा क्लोन बनाना, एक हमारी तरह एक और बिल्कुल हमारा हम शक्ल क्लोन। ओके, अब कंट्रोल्स में गए और यहाँ पे डिलीट दिस क्लोन। ओके, मान लो अगर हमारा क्लोन जो भी क्रिएटेड है हम उसे एंड में डिलीट करना चाहते हैं, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो क्लोन था वो डिलीट हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट, जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खत्म। तो यहाँ पे हमारा ये कवर होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ो, ये छोटे से टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ेंगे तो छोटे मोटे टॉपिक्स काम आएंगे। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।